फ्रेंड्स हम बना रहे हैं पैंट मोरे डिज़ाइन। हमने जो पैंट को है पूरी लेंथ जितनी रखते हैं उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से मोरे नापते हैं। ये हमारी है 18.5, आपको जितनी रखनी है, मैं 7.5 रेडी रखूँगी तो उससे अकॉर्डिंग है हमारी। तो आपको जितने को रखनी है आप देख लेना यहाँ से कितनी मोरी आएगी, यहाँ से मेज़र करने पर कितनी मोरी आएगी। ये हमारी 18, 18.5 आ रही है, देख सकते हो, हम पूरी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हमने लेने हैं, ये हमारी दोनों मोरी हैं, ये लाइनिंग वाली पैंट है हमारी, और ये हमने दो बुकरम के पीस काट लिए हैं और इस पर हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे, एक पिन से लगा देंगे जिससे ये हिलेगा नहीं और आराम से ये हमारा सेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है और इसका लुक बहुत प्रीटी आता है और इसे बिगिनर्स भी बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। सो फ्रेंड ये है हमारा और हमने इसे डबल में देख सकते हैं 9.5 पर लिया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि कटिंग करेंगे राउंड में, हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो उस सबसे पहले हमने यहाँ का ये सेंटर बना लिया, 9.5 पर हमने सेंटर बनाया है। ये कन्नी है, ये इधर से निकाल सकते हैं, बाद में वो वेस्ट में कट जाएगी। उसके बाद हमने दोनों पीस को यहाँ से, जो आपको कट ज़्यादा करना है तो आप 2.5 तक दे सकते हैं, बट मैं 2 दूंगी क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा कट फोल्ड होने पर भी, सिलाई होने पर भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 इंच पर एक मार्क कर देना है। 2 इंच पर मार्क करने के फिर हमने इस 2 इंच के मार्क को राउंड शेप देनी है। आपने यहाँ से 2 किया है, यहाँ से आप सही राउंड शेप दूंगी जिससे कि ये हमारी शेप पूरी प्रॉपर एक्यूरेट आएगी। हम हल्का हल्का टर्न करते जाएंगे और ये हमारे नीचे से बिल्कुल यहाँ से तो मिलकर आ जाएगी, ये राउंड शेप यहाँ पर आएगी। फिर 1 इंच का हमने आपको बताया था, पूरा पूरा 1 इंच का ये हमने ब्रॉड रखना है, देख सकते हैं पूरा ये 1 इंच पर आपने जो है इसे, ये हमने अब शेप पेंसिल से दी है, ये वाली शेप रखनी है, चौक वाली शेप मोटी है और 1 इंच पर ये हमने सेम 1 इंच पर करते जाना है मार्क और इस पर ये मार्क कर लेना है 1 इंच का। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। बंद साइड देख लेना, ये बंद साइड अपनी साइड रहनी चाहिए, मार्क भी हमें बंद साइड से ही करना है, ओपन साइड से नहीं करना वरना ये कट के 4 पीस आ जाएंगे। बुकरम को जो है इक्वल कर लेना है, जो इक्वल नहीं है ये। अब हम इसे इधर से कट करेंगे। ये देख सकते हो हमारी कटिंग हो गई है, ये ओपन करके हम आपको दिखाते हैं, ये ऐसे हमारा जो कट है ऐसे आएगा यहाँ पर सेंटर में। और अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे सबसे पहले। सो फ्रेंड हमने फैब्रिक इस पर जो है अटैच कर लिया और कटिंग कर दी है इस साइड से, तो ये हमारा पैंट की साइड लगकर आएगा। हमने दूसरी साइड से ऊपर जिस साइड ये कोना है ये राउंड शेप में, तो हमारा पैंट पर अटैच हो जाएगा। हमने फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए हल्के हल्के यहाँ पर टक लगा लेंगे जो नहीं फोल्ड होता है, तो हमने यहाँ से इसे सिलाई करते हुए जाना है। इस पर हल्के हल्के राउंड में शेप में है क्योंकि ये, तो यहाँ पर कट लगा ले जिससे इजीली टर्न हो जाएगा। और इस कोने को भी हमने ये देख सकते हैं हो गया है रेडी। और हमने यहाँ पर चाहे तो सिलाई चला सकते हैं एक बार जिससे हमारा फिक्स हो जाएगा, और दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे सेम। यहाँ से टर्न करते हुए
और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कर देंगे कटिंग। पिन से सिक्योर किया हुआ था, पिन को हम रिमूव कर देंगे। सारी बॉल पिन्स को हमने रिमूव कर देना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कर देनी है कटिंग। ये हमने इसके सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और ये हमारा अटैच हो जाएगा। हम दूसरा भी ऐसे ही पीस को रेडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड, हमारी दोनों पट्टियां हो गई हैं रेडी। अब हमने इसे पैंट पर सेट कर लेना है, पैंट की मोहरी पर। ये हमारी दोनों पट्टियां जो है रेडी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। और हमने इसका एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कट कर दिया है और ये मार्जिन जो है इसका ओनली हाफ इंच का फैब्रिक इसमें रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, पूरा पूरा हाफ इंच का फैब्रिक रखना है। फिर हमने पैंट को लिया, पैंट की हमने जो है सीधी साइड से इसे रखना है। हमारी पैंट की लेंथ है 36 रेडी रहनी चाहिए। हमने 0.5 ज़्यादा इसमें जो है रखा है जिससे कि ये फोल्ड हो सके। जब भी बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा मार्जिन मतलब नहीं रखना है फैब्रिक में, या फिर आप पैंट में भी उतना ही मार्जिन रखें जितना फैब्रिक में रख रहे हैं। इसे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप कच्चा करना चाहे तो कच्चा कर सकते हैं, हम पिन से सिक्योर कर रहे हैं। जब आपके पास पिन है तो ईजी है, वरना आप सुई से कच्चा कर लीजिए। ये इतना सुंदर और इसका लुक आता है पैंट का, और ये बनाना भी बड़ा इजी है, बिगनर्स भी बना सकते हैं। अब हमने हाफ इंच के मार्जिन पर ही सिलाई चलानी है। ये हमारा एक्स्ट्रा जितनी हमने बुकरम ली थी, ये एक्स्ट्रा हमारा जो है साइड में निकल जाएगा। अब हमने बुकरम की किनारी किनारी पर बिल्कुल सिलाई को चलाना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने सेट कर हाफ हाफ इंच पर ही रखी हुई है। ये हो गई है हमारी लक्कर रेडी। सीधी साइड से ये लगानी है, उल्टी साइड से नहीं लगानी है क्योंकि उल्टी साइड ये पलट कर जाएगी। और अब हम कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग। कॉर्नर से तो करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सेंटर से करनी है। कॉर्नर पर तो हाफ इंच ही है। और अब हमने दूसरी मोरी को भी ऐसे रेडी करना है। पहले हम आपको एक कर दिखा देते हैं। सारे पर हल्के हल्के जो है टक लगाने हैं। जिससे हमारी ये आराम से टर्न हो जाए और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे इसे फोल्ड। इसे प्रेस से सेट कर हम इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, और सिलाई चलाना चाहे तो इस पर सिलाई भी चला सकते हैं। मैं इस पर सिलाई ही चला दूंगी क्योंकि हमने इसका काम पक्का करना है। और ये देख सकते हैं सेंटर से हमारा ऐसे आ गया है। अब हम इस पर प्रेस करके आपको दिखाते हैं, फिर हम इस पर जो है सिलाई चलाकर दिखाएंगे। सो फ्रेंड, ये हमने प्रेस कर दी है। इस पर प्रेस करने के बाद आपको जो है सिलाई चलानी है, चाहे आप बैक साइड से चला सकते हैं या फ्रंट साइड से चला सकते हैं। इसकी किनारी किनारी पे एक एक इंच ही है ये, तो हमने बिल्कुल एक एक इंच का स्पेस आना चाहिए, अदरवाइज़ आप तुरपाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिलाई जो है फिनिशिंग से चलेगी, नई सिलाई की जगह आप इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। ये हम जो है सिलाई चला रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पर। देख सकते हैं वी जो है बिल्कुल सिलाई पर आया है।
सो फ्रेंड, अभी भी आप हमारे चैनल पर जो न्यू हो, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। ये देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, कोई भी इधर उधर नहीं है सिलाई, बिल्कुल एक इंच पे प्रॉपर हमारी सिलाई आई है। जो आपकी सिलाई सेट नहीं है तो आप इसे तुरपाई कर सकते हो, क्योंकि तुरपाई दिखेगी नहीं, बारीक बारीक तुरपाई आप इसे कर सकते हो। अब हमने दूसरे पर भी ऐसे ही चला लेना है, बिल्कुल सिंपल का सिंपल और डिज़ाइन का डिज़ाइन। अब हमें उसके बाद क्या क्या करना है, इसमें तीन तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मतलब इसी डिज़ाइन में हम उसके ऊपर क्या लगाना है वो आपको बताते हैं। बटन लगा सकते हो या फिर जो भी कुछ हम आपको वो बताते हैं। ये हमारी दोनों की सिलाई हो गई है, लगकर रेडी। जो आप इसे ऊंचा करते हो, एक एक इंच का ऊंचा करना है, तो आप इसके नीचे कोटी लगा सकते हो हैंगिंग में। अदरवाइज आप इसके ऊपर बो लगा सकते हो, बो बनाकर जैसे हम आपको दिखाते हैं फैब्रिक सेम सूट का कंट्रास्ट उठाकर, जैसे ये हमने सूट का कंट्रास्ट उठाते फैब्रिक ले लिया है, इसकी हम बो बनाएंगे। बो बनाने के लिए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या करना है। हमने इस पर जो फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करना है, इस फैब्रिक पर जो हमने शर्ट का फैब्रिक लिया है, इस पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करना मत भूलें, जिससे हमारी बो है जो वो लुक अच्छा आएगा। बट मैंने बो नहीं बनानी है, मैं आपको ओनली लुक दिखा रही हूँ इसका। हमने एक साइड से इसे कट कर लेना है सेंटर को। ये सेंटर को कट कर लेना है, इसके बाद हमने इसे पलटना है। हम आपको इसके स्टाइल बता रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है और कितने डिज़ाइन इसी में बन सकते हैं। जो आप बिगनर्स हो, ये एक डिज़ाइन बनाया है मैंने ये कट के साथ, तो आप इसे एक इंच और ऊंची करके तो इसमें ऐसे हैंगिंग में आप कुछ भी लटकन लगा सकते हो। ये हमने इसे इसके कोनों को निकालते हुए बो को और इसे प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इसका लुक आपको दिखाते हैं। इसके साथ की मैचिंग हेयर एक्सेसरी बना सकते हो कुछ भी। ये हमने एक, और उसके बाद हमने इसे प्रेस करने के बाद बिल्कुल सेंटर से इसको बो का लुक देना है। ये देख सकते हैं, इसे बो बनाकर हमने यहाँ लगानी है और इसके ऊपर टू पल्स लगाने हैं। आप इस बो को यहाँ भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर टू हमने गोल्डन कॉपर जो भी आपके साथ चल रहे हैं हमने वो पल्स लगा देने हैं। ये देख सकते हो हमारे सूट में कॉपर कंट्रास्ट है, तो हमने कॉपर पल्स ले लिया है। तो इसके साथ ये बो के साथ हमारी ये लुक भी बड़ा प्यारा आएगा। और हम इस पर सिंपल पल्स लगाएंगे, हम बो नहीं लगा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जब आपको हैंग कुछ यहाँ पर करना है तो यहाँ पर आप ट्रायंगुलर वगैरह बनाकर भी और भी डिज़ाइन हो सकते हैं, बट हम इसे सिंपल लुक दे रहे हैं। सिंपल लुक में हमने कॉपर कलर की जो माला ले ली है और इसके पल्स, ये रहे कॉपर कलर के हमारे पल्स जो हमने ले लिए हैं। हम इस पर टू टू करके इस पल्स को लेते रहेंगे, लगाते जाएंगे। ऐसे हम सीरियल वाइज तीन जगह पर दो दो पल्स लगाकर आपको दिखाते हैं कि हमने पल्स को कैसे लगाना है। ये हमने ले ली है नीडल, नीडल में हमने जो है थ्रेड डाल लिया है फोर लेयर, देख सकते हैं फोर लेयर हमने की हुई है। और अब हमने इसे उठाना है और यहाँ से इस पर पल्स लगाने हैं इस कोने से, और हमने टू पल्स लगाने हैं। ये हमारा कॉपर कलर का पल्स है, गोल्डन कलर का नहीं है, गोल्डन कलर का पल्स अलग है, ये हमने कॉपर कलर उठाया हुआ है।
ऐसे हमने देख सकते हैं 2-2 का ये पर्स का जो बना दिया है हमने। मतलब इस डिज़ाइन में भी आप कहीं डिज़ाइन कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर एक गिट लगा देनी है। अब हम इसे आगे लेंगे, आगे हमने इस कॉर्नर पर लेना है। यहाँ पर भी हमने ये कॉम्बो 2 पल्स का लगाना है, ऐसे ही 2 पल्स का सेट। बिल्कुल सिंपल सोबर डिज़ाइन है ये। ऐसे ही हमने लेते जाना है इसे, और पक्का करने के बाद इस पर भी गिट लगा देनी है। और सारे पल्स जितने आप लगा सकते हो, 5 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, उतने पेयर लगाकर इसकी साइड का लुक जो है बहुत ही यूनिक सा हो जाएगा। सिंपल पैंट से ना ज़्यादा हैवी डिज़ाइन है ना कुछ, समर के अकॉर्डिंग, समर में बहुत ही लाइट वेट और कूल से डिज़ाइन चलते हैं, तो इसलिए देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। पिंटेक्स वाले डिज़ाइन भी हम बनाते रहते हैं, बट वो डेली हो रहा है, आज कुछ हमें सिंपल करना था टाइम की शॉर्टेज के कारण, तो सोचे इस पर वीडियो बना ले जिससे बिगनर्स वगैरह कोई भी इसे आसानी से घर में भी बना सके। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन हमने बना दिया है, और अब हम इस पर जितने पेयर का सेट बनाना है पल्स के उतने बनाते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं हमने पल्स लगा कर रेडी कर लिए हैं, और सिलाई आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आ रही है। आप तरपाई कर सकते हैं, मैंने सिलाई की हुई है, और ये पल्स के हमने 4 पेयर लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं 4 पेयर में है। दोनों मोहरी हमारी रेडी हो चुकी है, और कितना औसम सा लुक आ रहा है, सिंपल सोबर। सो फ्रेंड फाइनली आपको ये होप सो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच।